भारत के चंद्रयान 2 मिशन को उस समय झटका लगा जब लैंडर विक्रम से चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया। इसके साथ ही चंद्रयान 2 मिशन के भविष्य पर सस्पेंस बन गया है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने संपर्क टूटने का ऐलान करते हुए कहा कि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले तक लैंडर का काम प्लानिंग के मुताबिक था। उन्होंने कहा कि उसके बाद उसका संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी इसरो मुख्यालय में मौजूद थे। इसके बाद सुबह एक बार फिर पीएम मोदी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने बेंगलुरु इसरो मुख्यालय पहुंचे। वैज्ञानिकों को संबोधित करने के बाद जब पीएम मोदी इसरो मुख्यालय से जाने लगे तो इसरो चीफ के सिवन पीएम मोदी के गले लगकर रोने लगे। पीएम मोदी ने गले लगाकर इसरो चीफ की पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक 95% मिशन सही दिशा में है क्योंकि ऑर्बिटर का चांद के चक्कर लगाना अभी भी जारी है। अधिकारी ने बताया कि ये ऑर्बिटर लैंडर का स्टेटस बताने के लिए उसकी तस्वीरें भी इसरो को भेज सकता है। आपको बता दें कि 22 जुलाई को भारत ने अपने हेवी लिफ्ट रॉकेट GSLV MK3 M1 की मदद से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। भारत से संबंध सुधारने का दिखावा करने वाले पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सबके सामने आई है। पाकिस्तान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए एयर स्पेस खोलने से इनकार कर दिया। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हालात में पाक भारत को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति कोविंद सोमवार को आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया के दौरे पर जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के सुपोर में आतंकियों ने काराना हरकत को अंजाम दिया। यहां डांगरपुरा इलाके में आतंकियों ने एक घर पर फायरिंग की जिसमें 2.5 साल की मासूम बच्ची समेत परिवार के 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर में नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर कहा कि किसी भी नेता पर देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया गया, उन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया है। उन्हें तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो जाते। मुझे भरोसा है कि कश्मीर में जल्द ही हालात ठीक हो जाएंगे। पाक पीएम इमरान खान ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रग है और इसके विशेष दर्जे को वापस लेने का भारत का फैसला देश की सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देता है। खान ने पाकिस्तान के रक्षा एवं शहीद दिवस पर अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार ने वैश्विक राजधानियों और संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय कूटनीतिक अभियान शुरू किया ताकि वैश्विक समुदाय को कश्मीर के बारे में बताया जा सके। नागपुर में बारिश का रेड अलर्ट जारी होने के बाद पीएम मोदी का नागपुर का दौरा टल गया। पीएम आज महाराष्ट्र के नागपुर जाने वाले थे। नागपुर के जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग ने नागपुर और विदर्भ रीजन में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके चलते पीएम मोदी का नागपुर दौरा टाल दिया गया है। पीएम मोदी ने मुंबई में 3 मेट्रो लाइनों की आधारशिला रखी। इसके बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया और कहा, हमें अपने शहरों को भी 21वीं सदी की दुनिया के मुताबिक बनाना होगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार अगले 5 सालों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। हरियाणा में JJP और बहुजन समाज पार्टी की राहें अलग हो गई हैं। दोनों पार्टी के बीच राजनीतिक दोस्ती 1 महीने भी नहीं चल सकी। सीटों के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाते हुए BSP सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार देर रात जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया।